हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लासेज में एडवांस राइटिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, इसके बाद वही वीडियोज अपलोड होंगे रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे राष्ट्र गौरव और नाथ पंथ के कम्युनिकेशन स्किल्स के सभी माइनर सब्जेक्ट के जो हैं वीडियोस ऑलरेडी पहले से अपलोड हैं। तो अगर आपका माइनर सब्जेक्ट इसमें से कोई है तो आप उसको पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं तो उसको भी देख करके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, कह रहा है रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा इसमें लिखा जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, इसमें लिखा जाता है इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी तत्काल अतीत रूप में, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहा कि पत्र लेखन में प्रश्नों का उत्तर देना निम्न की श्रेणी में आता है, तो किस श्रेणी में आता है, तो ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्र या कह सकते हैं आधिकारिक पत्र, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लेटर टू द एडिटर और रिटन टू, कह रहा कि संपादक को पत्र लिखा जाता है तो न्यूज पेपर के माध्यम से, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, न्यूज पेपर यानी समाचार पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, द पर्पज ऑफ द इनविटेशन लेटर इज टू, करें निमंत्रण पत्र का उद्देश्य है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, कह रहा है किसी मित्र या रिश्तेदार को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, लेटर ऑफ कंप्लेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, कह रहा शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है, व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम, कह रहे लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहां लिखना चाहिए, तो एट द टॉप यानी सबसे ऊपर, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ राइटिंग, कह रहे धन्यवाद की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस रचना में लिखा गया है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, कह रहा आधिकारिक पत्रों में शामिल नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन से होगा, मेकिंग रिक्वेस्ट या अपील, अनुरोध या अपील करना या अनुरोध करना, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स, कह रहा है एक औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते में शामिल है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, रिसीवर्स नेम यानी रिसीवर का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम आप कह सकते हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय, कह रहा है किसी को भाषण शुरू करना चाहिए, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस, यानी मुख्य अतिथि साथी वक्ताओं और दर्शकों को बधाई देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ नोट, कह रहा कि नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, एब्रीविएशन यानी संक्षेप, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नेम एंड डिजिग्नेशन
of addresses in business letter is written on the व्यवसायिक पत्रों में नाम और पते का पदनाम लिखा जाता है तो लेफ्ट मार्जिन यानी बाएं मार्जिन आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है लेटर्स टू द एडिटर्स और रिटेन टू कह रहे संपादक को पत्र इन्हें लिखे जाते हैं तो न्यूज़पेपर्स डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है एप्लीकेशन लेटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करे आवेदन पत्र की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं तो फॉर्मल लेटर्स आते हैं आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। औपचारिक पत्र फैमिली को लिखा गया पत्र जो होता है अनौपचारिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है इन अ फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड करे एक औपचारिक पत्र में तारीख दी गई है तो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच का पता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद कह रहा है औपचारिक पत्र एक औपचारिक पत्र के साथ शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है सेंडर्स एड्रेस यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा प्रेषक का पता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल बिजनेस लेटर आर कह रहे सभी व्यवसायिक पत्र हैं तो फॉर्मल यानी औपचारिक होते हैं सभी व्यवसायिक पत्र ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन कह रहा है कि एक रिपोर्ट हमेशा इसमें लिखी जाती है किसमें लिखी जाती है तो पास्ट टेंस में बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा भूतकाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है Which of the following is essential for developing critical thinking? कर आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है तो आपका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा प्रश्नवाचक रवैया। क्वेश्चन नंबर 22 है क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस टू कर आलोचनात्मक सोच हमारी मदद करती है तो फोकस यानी केंद्र आप फोकस कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है टू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर वन हैज टू डेवलप करे कि एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनने के लिए विकास करना होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग का आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा महत्वपूर्ण सोच। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक सोच के लिए बाधा नहीं है तो क्वेरेस यानी साहस आपका सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक सोच के लिए बाधा नहीं है तो यहां पर होगा फ्री थिंकिंग मुक्त सोच आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा स्वतंत्र सोच। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये भी समाप्त होता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।